दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के टॉप गार्डन की। तो सबसे पहले नाम आता है निशांत बाग श्रीनगर। निशांत बाग का निर्माण 1633 से 34 ईस्वी में मुगल शासकों ने करवाया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। यह श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर डल झील के पास पूर्वी हिस्से पर बना हुआ है। इस गार्डन से आप डल झील की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे गार्डन की, जिसका नाम है बॉटेनिकल गार्डन ऊटी। बॉटेनिकल गार्डन ऊटी में स्थित है, जो 1847 में बनवाया गया था। यह 55 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस गार्डन में 2000 से अधिक विदेशी प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तीसरा जो गार्डन है, हैंगिंग गार्डन मुंबई का। मुंबई के कमला नेहरू पार्क के सामने मालाबार हिल्स के सामने ऊपर बना हैंगिंग गार्डन बेहद ही आकर्षक है। इस गार्डन में सन 1880 से भी पहले का जलाशय है। इस गार्डन का मुख्य आकर्षण का केंद्र ओल्ड लेडी सू है। चौथे नंबर पर आता है गुलाब बाग उदयपुर। उदयपुर का यह बाग सबसे सुंदर और बड़ा गार्डन है। इससे महाराणा सज्जन सिंह ने 100 एकड़ जमीन पर बनवाया था। गुलाब के फूलों की वजह से इस गार्डन का नाम गुलाब गार्डन रखा गया है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुलाब के फूलों का गार्डन है। उसके बाद नाम आता है पिंजौर गार्डन चंडीगढ़। चंडीगढ़ का पिंजौर गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। पौराणिक कथा के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव इस गार्डन में घूमने के लिए आए थे। यह शहर का फेमस पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक रात के समय घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि पिंजौर गार्डन को रात के समय में कलरफुल लाइट से सजाया जाता है। उसके बाद है वृंदावन गार्डन मैसूर। कृष्णराज सागर बांध परिसर के भीतर 60 एकड़ में फैला हुआ वृंदावन उद्यान मैसूर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। बांध परिसर कर्नाटक में मांड्य जिले का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। उसके बाद नाम आता है ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। सुंदर डल झील की पृष्ठभूमि पर स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भारत में अपनी तरह का अनूठा है। यह श्रीनगर में जबरवान रेंज की तलहटी में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में प्रसिद्ध है, जो 75 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद आता है रॉक गार्डन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के चहल पहल भरे शहर के बीच एक विशिष्ट रूप से तैयार किया गया मूर्तिकला उद्यान है। चंडीगढ़ का 40 एकड़ का रॉक गार्डन भारत के सबसे अच्छे ईको गार्डन में से एक है। बेकार सामग्री और स्केप से निर्मित हजारों मूर्तियाँ आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद आता है मेहताब गार्डन आगरा। मेहताब गार्डन आगरा में ताजमहल के परिसर के ठीक सामने स्थित मेहताब बाग भारत के सबसे आकर्षण मुगल उद्यानों में से एक है। उर्दू में मेहताब बाग का शाब्दिक अर्थ चांदनी उद्यान है। उसके बाद आता है फूलों की घाटी चमोली। उत्तराखंड में राजसी हिमालय पर्वतमाला में बसा फूलों की घाटी भारत के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है। 1937 में जब तक एक महान खोजकर्ता और पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने इस अल्पाइन घाटी की खोज नहीं की, तब तक दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद आता है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर। 240 एकड़ में फैली हरी भरी जगह लाल बाग बॉटनिकल गार्डन हलचल भरे शहर बेंगलुरु को सांस लेने की बहुत जरूरी जगह प्रदान करता है। उद्यान मूल रूप से हैदर अली द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर राज्य पर शासन किया था। उसके बाद है मुगल गार्डन दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सीमाओं के भीतर प्रतिष्ठित 15 एकड़ का मुगल उद्यान है। यह वास्तु शिल्प रूप से श्रीनगर के मुगल उद्यानों और आगरा के मेहताब बाग से प्रेरित है। उसके बाद नाम आता है लेडी हैदरी पार्क शिलोंग। शिलोंग शहर के केंद्र में स्थित एक जापानी शैली का बगीचा है, जिसे लेडी हैदरी पार्क के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, तो फूलों की क्यारियों और फव्वारों का सुंदर विस्तार आपका ध्यान आकर्षित करता है। इसका नाम असम के पूर्व राज्यपाल की पत्नी और राज्य की पूर्व प्रथम महिला लेडी हैदर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद है इको पार्क कोलकाता। 480 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ कोलकाता का ईको पार्क भारत के सबसे बड़े शहरी उद्यानों में से एक है। इसका उद्घाटन 2012 में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने किया था, जिससे यह कोलकाता शहर के शीर्ष आकर्षणों की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद है जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़। एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन के रूप में प्रसिद्ध जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में फैला हुआ है। चंडीगढ़ के पहले मुख्य आयुक्त डॉक्टर MS रंधावा ने
1967 में इस शानदार बगीचे की स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। थैंक यू।